तू गर्भवती है, तो आप दो पहचान हमें बताने जा रहे हैं जिससे कि 100% पता चल जाए गर्भवती है कि नहीं। 100% पता चल जाए गर्भवती है। अच्छा, गाय और भैंस दोनों के लिए? दोनों के लिए। तो जैसे कि भैंस के लिए, गाय के लिए है, तो पहला पहचान क्या है? पहला पहचान है गाय के लिए है, गाय या भैंस है, कोई भी जानवर है, जैसे 2 से 3 महीने हुआ है, मतलब जिसे एआई सीमन करा दिए, उसके कितने महीने बाद? दो से तीन महीने, यानी एआई सीमन कराने के 2 या 3 महीने, 3 महीने के बीच में। बीच में ऐसा है कि अगर भैंस के जो भैंस या गाय हो, अगर ये जो सीमन नहीं लिए हैं तो उनके आँख। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ ब्लॉक्स ऑफिशियल, हम हैं राम कैलाश यादव। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनोज कुमार यादव, जो आप इनका वीडियो देखे होंगे कि लात मारने वाली भैंस का भी दूध निकाल लेते हैं। और आज मैं आपको 2 ऐसी पहचान बताऊंगा जिससे आप बहुत ही आसानी से गर्भवती पशुओं को पता कर सकते हैं, जो इनका अनुभव रहा है, जो 100% जो है गर्भवती है, वो पक्का जो है 100% एकदम आप पूरी तरह से जानकारी ले लेंगे कि हाँ ये गर्भवती है या नहीं है, और कितने महीने के बाद, जैसे एआई करा दिए हैं, सीमन करा दिए हैं, तो कितने महीने के बाद जो है इसे हम पता कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और पशुपालन से वीडियो देखना पसंद करते हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। सर अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम मनोज कुमार यादव। तो जैसे कि हम ये जानकारी लेना चाहते हैं, जैसे पशु गर्भवती है, तो आप दो पहचान हमें बताने जा रहे हैं जिससे कि 100% पता चल जाए गर्भवती है कि नहीं। 100% पता चल जाए गर्भवती है। अच्छा, गाय और भैंस दोनों के लिए? दोनों के लिए। तो जैसे कि भैंस के लिए, गाय के लिए है, तो पहला पहचान क्या है? पहला पहचान है गाय के लिए है, गाय या भैंस है, कोई भी जानवर है, जैसे 2 से 3 महीने हुआ है, मतलब जिसे एआई सीमन करा दिए, उसके कितने महीने बाद? दो से तीन महीने, यानी एआई सीमन कराने के 2 या 3 महीने, 3 महीने के बीच में। बीच में ऐसा है कि अगर भैंस के जो भैंस या गाय हो, अगर ये जो सीमन नहीं लिए हैं, तो उनके आंख पहले निकाल के देखो, ऐसे आंख करके देखोगे तो लालपन रहता है नीचे गाय, या ऐसे रहेगा जैसे ऐसे, हमारा आपका दिख रहा है, थोड़ा इधर ऐसे दिखा दीजिए, ये चीज है देखो, ये देखो ये देखो ये लालपन है, लालपन रहता है तो वहाँ पे कालापन आ जाता है, एकदम कालापन, जैसे काजर लगाई हुई है, यही एक पहचान इसका है, पक्का पहचान है यहाँ, मतलब गाजर टाइप। हाँ, जैसे भैंस है तो गाय है तो ऐसे यहाँ तक हटाइए, यानी उसके भौंरी भौंरी के नीचे काला हो जाएगा, एकदम काला हो जाएगा, गाय और भैंस दोनों के लिए। समझ रहे हैं, जो भैंस होती है या गाय होती है, उनकी आंख के नीचे जैसे इंसान काजल लगाता है, काजल जैसे एक आदमी लगाता है, ऐसे पूरे औरत लगाती है काजल, तो ये पूरा जो है ऐसे काजल जैसे लगा दिखाई देगा, अगर गर्भवती है तो, अगर गर्भवती है तो काला नहीं रहेगा, नहीं रहेगा वो लाल, ये पक्का पहचान है, पक्का पहचान है, तो सिर्फ जो है वही 2 से 3 महीने बाद, एआई कराने के 2 से 3 महीने बाद आप इसे पता कर सकते हैं। जो यहाँ है, जो हाथ डालने पे डॉक्टर बताते हैं, उससे जो है गोरू, कोई भैंस हो या गाय हो, वो बेला भी गिरा सकती है। और इसके तो काजल जैसा दिखाई दे रहा है, देखिए महीने में जो है जैसे देखा जाता है, कभी कभी देखोगे तो आपको दिखने को मिलेगा कि यहाँ आंख के नीचे जैसे काजल जहाँ इंसान लगाते हैं अपने आंखों में, उसी तरह जो है यहाँ आंख के नीचे भी इसके देखिए काजल काला काला दिख रहा है। तो ये जो है एक पक्का पहचान है, इससे भी आप पहचान सकते हैं कि ये गर्भवती है। तो दूसरा पहचान क्या है भैया? 2 से 3 महीने के पहले के जैसे 20 दिन 25 दिन हुआ है, हाँ, तो एक का जैसे 20 दिन होता है तो ये खर आता है, पतला खर आता है, हाँ, जैसे कि जैसे आता है सींक जैसा आएगा लेकिन पीला रहेगा, हाँ, तो उसको पूंछ भर में जानवर के लगा रहेगा, पीला रहेगा। कितने दिन बाद डिस्चार्ज करती है वो? ज्यादा से ज्यादा बस 21 से 22 दिन में, 21 से 22 दिन में वो ऐसा करते हैं, एकदम जैसे सींक आएगा पीलापन आएगा, पतला रहेगा, हाँ, नहीं मोटा भी रहेगा, मोटा रहेगा, पतला नहीं रहेगा, पतला रहेगा, जब चूहा तो कोई काम का नहीं, फिर गर्भवती नहीं है वो। हाँ, और अगला पहचान क्या है? और दूसरा एक पहचान है कि इसकी जो शरीर होती है भैंस या गाय का, उसमें जो अगर जैसे गर्भवती हो गई, हाँ, तो उसमें सिकुड़नपन आ जाता है, छोटा हो जाता है आपसे आप जैसे। अच्छा, दिन के दिन। तो एक बात और हम बता देना चाहते हैं किसान भाइयों, जैसे कि आपकी गाय या भैंस, गाय भैंस दोनों के लिए है, गाय और भैंस दोनों के लिए है, कि जैसे आपकी गाय या भैंस गर्भवती हो गई हैं, तो क्या है कि उनके जो पेशाब का रास्ता है वो छोटा होने लगेगा। ये कितने दिन बाद दिखाई देगा सिम्टम्स? ये सिस्टम बस ज्यादा से ज्यादा 20 से 22 दिन के अंदर, यानी कि एआई या क्रॉस कराने के 20 से 22 दिन बाद।
जैसे आप एआई करा दिया, क्रॉस करा दिया, जो उसका पेशाब का रास्ता है, जो पेशाब करती है, वो धीरे धीरे छोटा होने लगेगा, सिकुड़ना आ जाएगा। अगर सिकुड़ने के बजाय उसमें सूजन आ रही है तब क्या समझेंगे? तब वो गाभिन नहीं है। फिर अगर सूजन अगर ज्यादा बनी तब वो गाभिन नहीं है, फिर वो गर्म पड़ रही है। यानी फिर अगर सूजन है पेशाब के रास्ते 21 से 22 दिन बाद, तो समझ लो दोबारा हीट में आ रही है। हाँ, हाँ, दोबारा हीट हो रही है। अगर गर्भवती हो जाएगी तो जो नीचे साइड का सिकुड़नपन है वो धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। और फिर ये बड़ा कितने महीने बाद होता है, जब वही बच्चा करने को जब बड़ा करने, बड़ा होने का मतलब है जैसे भैंस है, भैंस को 10वें महीने से इनका जो है शरीर सूजन आना चालू हो जाती है। अगर गाय है तो 9वें महीने से उनका शुरू हो जाता है हल्का हल्का सूजन, मतलब उससे भी देखा गया कोई 7 महीने 8 महीने 9 महीने पे। हाँ, 9वें महीने से 8 महीने 7 महीने, मतलब उसका भी जब सूजन आएगा तो बच्चा करने वाली होती है तो उनके पेशाब के रास्ते पर भी सूजन आ जाता है। लेकिन अगर एआई कराने के बाद 20 से 21 दिन बाद उनका जो पेशाब का रास्ता है अगर छोटा पड़ने लगा है तो समझ लो गर्भवती है। अगर बड़ा होता जा रहा है, सूजन बनी है, तो समझ लो वो हीट पर जो है फिर आ रही है ना। और जैसे कि आपका एक वीडियो काफी लोग पसंद किए थे जिसमें लात मारने वाली भैंस का दूध निकालने के लिए बताए थे, तो आपका नंबर जो है लोग लेना चाहते थे, तो इनका जो है नंबर भी आप ले लीजिए। वो नंबर शायद बंद हो गया है इनका, जो उस पे नंबर दिया गया था, तो अपना नंबर बता दीजिए जो हमेशा के लिए चालू रहे, बंद ना हो। हमारा नंबर है 7388-5398-22 7388-5898-22 यही इनका मोबाइल नंबर है। इस मोबाइल नंबर पर आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। जैसे जरूरत पड़ जाता है कि हमारी भैंस लात मार रही है, दूध नहीं निकाल रही है, बच्चे दूध नहीं पिला रही है, तो हर समस्या। आप पशुपालन कितने वर्षों से कर रहे हैं? हम 15 से 15-16 साल से कर रहे हैं पशु। अभी उम्र कितनी है आपकी? हमारी बस ज्यादा से ज्यादा मान के लो 35 साल। 35 साल है, लेकिन इतनी गारंटी है इनके पास देंगे कि कैसे भी गाय भैंस है दूध नहीं निकालने दे रही है, लात मार रही है, कुछ भी कर रही है, ये सब झेल लेंगे, भले इनके शरीर पर मत जाइए। कितनी भारी से भारी भैंस हो, कितनी भारी से भारी गाय हो, दूध नहीं निकालने दे रही कि लात मार रही है, सब कुछ संभाल लेते हैं। आपने वीडियो नहीं देखा होगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। गाय भैंस लात मारने वाली गाय भैंस का दूध कैसे निकालें, आप सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिलेगा। तो यही दो पहचान, जो 2 से 3 पहचान बता दिया गया है। पहला पहचान फिर से बता देना चाहूंगा, आंख के नीचे जैसे काजल जैसे दिया जाता है उस तरह दिखाई देगी। और दूसरा जो पहचान है, पेशाब का जो रास्ता है वो छोटा होने लगेगा। और जो तीसरा एकदम कंफर्म पहचान है, 20 से 21 दिन बाद वहां पीला पतला, हल्का पतला रहेगा लेकिन मोटा रहेगा, पीला डिस्चार्ज करेगी, तो गर्भवती है। और अगर वो इसी जगह पे पेशाब के रास्ते पे सूजन आ गया है, जैसे सूजन आ गया है एआई एसीमन कराने के 20 से 21 दिन बाद, तब आप समझ लीजिए कि वो आपकी पशु फिर से हिट में आ रही है। ये बिल्कुल पक्का और कंफर्म जो है पहचान है, जो कई वर्षों से अंदाज करते हुए आ रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि